वेलकम बैक टू द मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन क्लास। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया होया लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, जिदे विच्चों लीनियर मेजरमेंट वाला पोर्शन अपना स्टार्ट होया होया ये हैगा अपना मेट्रोलॉजी का लैक्चर नंबर 9। ये आप स्टडी करांगे डेप्थ माइक्रोमीटर एंड वर्नियर माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर मेनली यूज़ किया जाता फॉर मेजरमेंट ऑफ डेप्थ, जिमें अपने को वर्नियर डेप्थ गेज सी वो वर्नीयर दे हेल्प दे नाल दो स्केल सी मेन स्केल ते वर्नीयर स्केल, उहदे नाल आपां डेप्थ मेजर करदे सी। ते डेप्थ माइक्रोमीटर दे केस वी हैव वन, जिवें आपां माइक्रोमीटर च कीता वन इज़ स्लीव दे उत्ते स्केल हुंदा विच इज़ मेन स्केल, सैकेंड इज़ ऑन द थिंबल, थिंबल दे उत्ते हुंदा अपने कोल सैकेंड स्केल। एज इट इज़ ही अपने कोल डेप्थ माइक्रोमीटर दे केस च एक स्केल होगा बैरल दे उत्ते जां स्लीव दे उत्ते, बैरल स्लीव दोनों हॉलो मैंबरस ने, ठीक है, जां बैरल कह लो चाहे स्लीव कह लो एक ही चीज़ है। दूसरा स्केल होगा थिंबल दे उत्ते विच इज़ रोटेटिंग जां सर्कुलर स्केल। नेक्स्ट आ गए कंस्ट्रक्शन पार्ट्स ऑफ डेप्थ माइक्रोमीटर। फर्स्ट हैगा अपने कोले बेस। बेस जेड़ा कंपोनेंट आ यह बॉटम मोस्ट कंपोनेंट आ जिहदी की आ हार्डनिंग की जाती है, ठीक है, हार्डनिंग करके नीचे वाले सरफेस नू बिल्कुल अपना फ्लैट कर लेने हैं, जिदे नाल कि अपने कोले ड्यूरिंग मेजरमेंट कोई भी प्रॉब्लम ना आवे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड जेड़ा कंपोनेंट आ बैरल, बैरल की एक हॉलो सैक्शन आ जिदे उत्ते बैरल स्केल इनग्रेव किया हुंदा। नेक्स्ट थर्ड इज़ द थिंबल, थिंबल दे उत्ते की अपने कोले थिंबल स्केल इनग्रेव किया हुंदा विच इज़ ए सर्कुलर स्केल। बैरल दे उत्ते मेन स्केल, थिंबल दे उत्ते थिंबल स्केल, बट जिहड़ा बैरल आ बैरल दे उत्ते जिहड़ी यूनिट्स इनग्रेव कीतियां हुंदियां ने उहदा लीस्ट काउंट मेनली अपने को हुंदा 0.5 mm, ते उस 5.5 mm नूं अगे 50 डिविजनस दे विच डिवाइड करदे आ ऑन थिंबल स्केल। नेक्स्ट फोर्थ कंपोनेंट इज मेजरिंग रॉड। मेजरिंग रॉड जिहड़ा कंपोनेंट आ इह वर्कपीस नूं जां उहदी डेप्थ नूं मेजर करन दे लई वर्क करदा, जिवें आपां वर्नियर डेप्थ गेज दे केस च देखिया सी जिहड़ी रेफरेंस सरफेस आ उहनूं की एक एंड ते रख के जिहड़ी गेज दी बार आ, ठीक है, जो रॉड आ उह की आ अप टू द डेप्थ जाऊगी जिहदे नाल की आ रीडिंग मेजर होगी। नेक्सट इज रैचेट। रैचेट दा परपस हैगा टू प्रिवेंट द एक्सेसिव प्रेशर। जिहड़ा भी एक्सेसिव प्रेशर आ उह वर्कपीस दे उत्ते एक्ट ना करे, उहदी डिफॉर्मेशन ना होवे, जां अपनी जिहड़ी मेजरिंग रॉड आ जदों इह ज़्यादा वर्कपीस दे विच इंपिंज करूगी उहनूं रिटार्ड करन दे लई वी यूज रैचेट। नैक्सट लास्ट आ गया अपने कोल लॉक नट। लॉक नट दा यूज हैगा जदों आपां मेजरिंग रॉड दे नाल डेप्थ नूं मेजर कर लैंदे आ, उस तों बाद की आ लॉक नट दी हैल्प दे नाल मेयरिंग रॉड नूं उहदी पोजीशन ते लॉक कर लेना। नेक्स्ट जिहड़ा अपने कोले डेप्थ माइक्रोमीटर आ इहनूं रिमूव करके पहला की आ बैरल स्केल दी रीडिंग देखांगे विच इज़ आवर मेन स्केल, दैन थिंबल स्केल दी रीडिंग देखांगे, दैन वी नो द प्रोसीजर हाउ टू कैलकुलेट द रीडिंग। ये सीगी कंस्ट्रक्शन। एज इट इज़ सेम आ जिवें अपने कोले माइक्रोमीटर दे केस च सी, बट कंस्ट्रक्शन दे विच एक दो पार्ट्स डिफरेंट ने। नेक्स्ट यूज़ ऑफ डेप्थ माइक्रोमीटर, यूज़ मैं दस ही चुकिया वा, जिवें अपने कोले वर्नियर डेप्थ गेज आ उहदी डेप्थ बार आ वर्कपीस दे उत्ते रेफरेंस सरफेस नूं ला के जिहड़ा बेस एंड आ इहनूं लगा के जिहड़ी मेजरिंग रॉड आ उहनूं नीचे पुट करके अप टू द एंड आपां की आ डेप्थ नूं मेजर कर लैंदे आ। नेक्स्ट आ गई टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग किस तरह कैलकुलेट करते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू थिंबल स्केल रीडिंग। मेन स्केल दी रीडिंग नोट कर लेनी है बैरल स्केल रीडिंग, ठीक है, लीस्ट काउंट वी आए आपां नूं गिवन ही हुंदा, दैन थिंबल स्केल रीडिंग, इन्हां दी कैलकुलेशन करके टोटल रीडिंग कैलकुलेट हो जूगी। नैक्सट अपने कोल नैक्सट टॉपिक हैगा वर्नियर माइक्रोमीटर। ये भी कि अपने कोले माइक्रोमीटर ही आ जिदे विच अपने कोले तीन स्केल्स ने,
बट जदों आप माइक्रोमीटर की गल करांगे दो स्केल होणगे, एक होगा मेन स्केल तो दूसरा होगा थिंबल स्केल। नैक्सट अगे मैं तुहानू दिखाना, जदों आपां माइक्रोमीटर की गल करांगे अपने कोल एक तां थिंबल स्केल होगा, दैन जिहड़ा दूसरा स्लीप स्केल होगा। बट जदों आपां वर्नियर माइक्रोमीटर की गल करांगे दैन वी हैव थ्री स्केल्स, ते एक जिहड़ा वर्नियर स्केल आ उह वी की आ इनकलूड हो जूगा। हुण आपां एक्यूरेसी इहदी ज़्यादा हुंदी आ एज़ कंपेयर टू माइक्रोमीटर, वह किवें ज़्यादा हुंदी आ पहलां वह समझदे हाँ। जिहड़ा स्लीव दे उत्ते स्केल दित्ता होया, तीन स्केल ने अपने कोले, जिहड़ा स्लीव दे उत्ते स्केल दित्ता होया इहदा अपने कोले लीस्ट काउंट हैगा 0.5, ठीक है 0.5 mm। जिहड़ा हुण ये 0.5 आ इहनूं अगे 50 डिविजनस दे विच डिवाइड कीता आपां थिंबल स्केल दे उत्ते, ठीक है 0.5 दियां 50 डिविजनस कीतियां थिंबल स्केल दे उत्ते। जिहड़े थिंबल स्केल दियां 50 डिविजनस दी एक डिविजन आह ली अपने कोले, जिहड़ी हुण इह एक डिविजन आ इहदियां नैक्सट अगे 10 डिविजनस कीतियां होईआं आपां वर्नियर स्केल दे उत्ते, तां ही इहदी एक्यूरेसी अपने कोले 0.001 कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, जिहड़ी एक्यूरेसी हुंदी आ जां लीस्ट काउंट हुंदा अपने कोले वर्नियर माइक्रोमीटर दे केस 0.001 mm, ये सारे नालों एक्यूरेट माइक्रोमीटर अपने कोले, जिहदी अपने कोले लीस्ट काउंट दी वैल्यू इन माइक्रॉन्स हुंदी है। ठीक है, तीन स्केल ने एक्यूरेसी मोर दैन माइक्रोमीटर। बाकी रिमेनिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज सेम जिवें अपने कोले सिंपल माइक्रोमीटर दी हुंदी आ। देखो एनविल आ, स्पिंडल आ, स्लीव आ, सारे कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट सेम ने। जिवें स्पिंडल आ, स्पिंडल नूं अटैच किया हुंदा, जिहड़ी अपनी स्पिंडल आ इहनूं अटैच किया हुंदा थिंबल दे नाल। थिंबल की अपने कोले नट वाला पोर्शन आ, ठीक है थिंबल अपने को नट आ, नट दे नाल स्पिंडल अटैच की हुई है, तां ही इहनूं आपां स्क्रू एंड नट दे प्रिंसीपल ते चलण वाली एक डिवाइस आ। ठीक है, बाकी कंस्ट्रक्शन सेम आ, इहदे विच अपने कोले तीन स्केल्स ने। आपां अज स्टडी कीते आ फर्दर टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर, जिहदे विच दो टाइप सीगियां, फर्स्ट डेप्थ माइक्रोमीटर, सेकेंड वर्नियर माइक्रोमीटर। थैंक यू।